अर्धकुवारी और पवित्र आत्मिक देह के समर्पण के मायने हैं। सच्चे हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखना इंसान के लिए निर्मलता है। परमेश्वर के सामने सच्चा हो पाना एक ही शर्त है, पवित्र आत्मा के कार्य की। अपने पूरे दिल से खोजना चाहिए इंसान को, शक की नजरों से ना देखे परमेश्वर के काम को। निभाए हर बार अपने फर्ज को, हासिल किया जा सकता है सिर्फ इसी तरह पवित्र आत्मा के काम को। परमेश्वर के कार्य के हर कदम में अगाध आस्था होनी चाहिए इंसान की। और खोजना चाहिए उस परमेश्वर के सामने सिर्फ अनुभव के जरिए परमेश्वर की प्रियता को पा सकता है इंसान। कैसे कार्य करता है पवित्र आत्मा देख सकता है इंसान। अनुभव नहीं करते हो तुम अगर अपने मार्ग को इसके जरिए महसूस नहीं करते हो तुम अगर, तो कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। नहीं खोजते हो तुम अगर, चूंकि अपने अनुभव से ही तुम परमेश्वर के कर्मों को देख पाओगे। कितना अद्भुत है, कितना अथाह है वो ये देख पाओगे। यही सच्चा रास्ता है चूंकि ये यकीन है तुम्हें, अंत तक इसका अनुसरण करना चाहिए तुम्हें। बनाए रखनी चाहिए अपनी भक्ति परमेश्वर के लिए, चूंकि देखा है तुमने परमेश्वर स्वयं आया है धरती पर पूर्ण करने तुम्हें।
तुम्हें अपना हृदय पूरी तरह से दे देना चाहिए। वो कुछ भी करे चाहे तुम्हारा परिणाम बुरा हो चाहे, फिर भी कर सकते हो तुम उसका अनुसरण सदा। यही है बनाए रखना निर्मलता। एक प्राणी के फर्ज को पूरा करो, परिणाम चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर को जानने की खोज करो और उसे प्रेम करो। जैसे चाहे परमेश्वर तुमसे बर्ताव करे, कभी शिकायत ना करो।